होली स्पेशल गोल्ड रॉयल प्लस एफएफ टोकन की अपडेट के बारे में जानना है? आ जाओ, दिखा दूंगा, लेकिन एक सेकंड। फिट जी लॉन्ग का कमेंट है, गरीना फ्री फायर भी लाइक, बीआर रिंग का नया सीजन चाहिए? आ जाओ, दिला दूंगा। फ्री का सामान चाहिए? आ जाओ, दिला दूंगा। फ्री फायर इंडिया चाहिए? नहीं दूंगा। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। बिकॉज आ चुका है थारा भाई क्रिएशन अपकमिंग इवेंट की धन धना धन जानकारी लेकर के। गजब। जैसे कि एक दो दिन में हमारे इंडिया प्लस बांग्लादेश सर्वर का गोल्ड रॉयल बंडल अपडेट होने वाला है, तो इसमें 100% कौन सा बंडल आएगा। इसके साथ ही में एफएफ टोकन एक्सचेंज स्टोर भी अपडेट होने वाला है, तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बंडल अपडेट होंगे। एनडीआर होली के लिए फ्री फायर वाले एकदम स्पेशल सा कुछ डिजाइन करने वाले है, तो ऐसी भी लीक मिली है कि होली स्पेशल गोल्ड रॉयल आने वाला है। तो होली स्पेशल गोल्ड रॉयल में कौन कौन से रिवार्ड आ सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, हम अपनी नूब आईडी से मेन आईडी में हमारा दोस्त हमको और हम अपने दोस्त को गिफ्ट सेंड कर सके, उसके लिए गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ आने वाला है। तो इस इवेंट के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे गेम में आने वाले अपकमिंग इवेंट्स, वीकली शेड्यूल, फ्री फायर की न्यू अपडेट, आप लोगों के फनी कमेंट्स, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, बोले तो ये वाला वीडियो लल्लन टॉप झकास, ओए होए 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 होए, बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो, एक भाई का कमेंट आया है, क्रिएशन भाई आपने पहले बताया था कि कस्टम बनाने के बाद हम अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं आया, तो कब तक आएगा बता दो। चलो तो दोस्तों भाई ने ये जो कमेंट किए, इस अपडेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और इसकी सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो यार इस अपडेट को चेक करने के लिए मेन सर्वर पर मेरे पास कस्टम रूम कार्ड नहीं थे, इसीलिए मैंने क्विक ज्वाइन पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया मैं एक कस्टम में आ चुका हूँ, साथ ही में स्पीकर बटन को लेकर के एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। स्पीकर पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर तीन ऑप्शन आ चुके हैं, पहला है ऑल, दूसरा है ग्रुप, तीसरा है ऑफ। अगर मैं ऑफ पर क्लिक करता हूँ तो कस्टम में कोई कुछ भी बोलेगा तो किसी की कुछ भी आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। दूसरा है ग्रुप, हमारे टीम मेंबर या ग्रुप में जो जो बंदे हैं अगर कुछ भी बोलेंगे तो उनकी आवाज मुझे सुनाई देगी। और तीसरा है ऑल, कस्टम में कोई भी बंदा कुछ भी बोलेगा तो उनकी आवाज हमें सुनाई दे देगी। तो इस तरह से स्पीकर का बटन काम करेगा। और दूसरा ऑप्शन है माइक का, जैसे माइक पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर एक्सेस मांगा, मैंने अलाउ किया, उसके बाद जब भी मैं कुछ भी बोलूंगा तो आगे वाले बंदे को मेरी आवाज सुनाई देगी। तो गाइस देखिए ना, कस्टम में बैठ करके हम अपने टीममेट्स के साथ क्या आगे वाले ग्रुप वालों के साथ भी बातें कर सकते हैं। अगर कस्टम में कुछ चेंजेस करवाना रहे, किसी और बंदे को ऐड करना रहे या किसी को भगाना रहे, भाई तू इधर आ जा, तू उधर चले जा, ऐसा बोलना रहे, ऐसा काम इजीली हो सकता है। सो ये वाला अपडेट बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो यार भाई के कमेंट्स की ओर वापस आते हैं कि मैंने बोला था कि कस्टम बनने के बाद हम अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं। जी हाँ, अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला अपडेट आने वाला है। सबसे पहले एडवांस सर्वर में हमें ये वाला अपडेट देखने मिला था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये अपडेट हमारे गेम में आएगा, परंतु जब मेन अपडेट आया तब हमें ये वाला अपडेट गेम के अंदर देखने नहीं मिला। लेकिन अदर सर्वर में मैंने चेक किया, अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले क्लिप दिखाया है ना, वो अदर सर्वर की ही थी, एडवांस सर्वर की नहीं थी। मतलब कि मेन सर्वर में ये वाला अपडेट आ चुका है, बस हमारे इंडियन सर्वर पर नहीं आया है। जिस तरह से एक्सपेक्टेड वाला जो अपडेट है पहले अदर सर्वर में आया, उसके बाद हमारे इंडियन सर्वर में आया। लॉगिन हिस्ट्री वाला जो अपडेट है पहले अदर सर्वर में आया, फिर हमारे इंडियन सर्वर में आया। सेम उसी तरह से दोस्तों कस्टम में बात करने वाला अपडेट कुछ समय के बाद में आ जाएगा। तो जैसे आ जाएगा मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आपको एक और बार बता दूंगा, पर 100% कंफर्म ये अपडेट आने वाला है। आई होप आप लोगों को ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जानकारी की ओर। मजा आया दोस्तों, अब हम बात करेंगे गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ इवेंट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, इस मार्च के महीने में दो बड़े फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ सर्वर पर रमजान या रमजान इवेंट स्टार्ट होगा और हमारे इंडियन सर्वर पर होली इवेंट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हमारे इंडिया प्लस बांग्लादेश सर्वर में होली के पहले रमजान इवेंट स्टार्ट होगा, परंतु कुछ सर्वर पर रमजान इवेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पर ये देखो, रमदान डिस्काउंट 50% ऑफ आया है गिफ्ट स्टोर में। और इनका गिफ्ट स्टोर कोई ऐसा वैसा नहीं है, गिफ्ट स्टोर में ये देखो इमोट में रिडिकुल वाला इमोट है,
लोल इमोट है, आई हर्ट यू वाला इमोट है। भाई लोग इनके तो पूरे मजे ही मजे हो गए। ये देखो ना, साथ ही में बैकपैक, लूट बॉक्स, जिप की स्किन, फैशन में भी 50% ऑफ है। वेपन में जाएंगे तो गन की स्किन, ग्लोवाल की स्किन, मतलब कि ये सिलसिला चाहत का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ आएगा। तो अभी हमारे इंडियन सर्वर पर रमदान और होली इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि रमदान इवेंट में ना आए, परंतु होली इवेंट के दौरान हमें गिफ्ट स्टोर में 50% ऑफ देखने मिल सकता है। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, अगर ये वाला इवेंट हमारे सर्वर पर आ गया ना, तब हमारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। बात तो सही है। चलो आओ दोस्तों, अब मैं आपको मेरी मीम के पिटारे से फ्री फायर की गजब बिंदास वाली मीम दिखाने वाला हूँ, जिसे देख करके आपको मजा आ जाएगा। 3, 2, 1 देख रहे हो विनोद? हाय। बंदा अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने गया होगा, लेकिन उसे बैठ करके वहां पर बोर लग रहा होगा, उसने फ्री फायर चालू कर दिया। इसे बोलते हैं असली फ्री फायर लवर। तो गाइस, क्या आपने भी कभी क्लासरूम में बैठ करके गेम खेला है? अगर खेले होंगे तो बहुत मजेदार बात है। मैं आपको मेरी कहानी बताऊं, मैंने सिर्फ एक बार गेम खेला था भाई, उसमें भी मुझे मेरे क्लास टीचर ने नहीं, प्रिंसिपल ने नहीं, वो प्रिंसिपल के ऊपर वाले जो सर होते हैं, जो दौरे पर आते हैं चेक करने के लिए, उन्होंने मुझे सीसीटीवी में गेम खेलते हुए देख लिया। उसके बाद सीधे क्लासरूम में आकर के मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ आप लोग सुनोगे तो रो पड़ोगे। मैं आपको भी रुलाना नहीं चाहता, फिर कभी मैं लाइव में बता दूंगा ये वाली कहानी। वीडियो में आगे बढ़े गाइस, उसके पहले अगर आपने अभी तक इतनी प्यारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गलत बात है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्लीज लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी अमेजिंग वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आइए देख, मजा आएगा। आइए गाइस, अब मैं आपको हमारे गेम में आने वाले 100% कंफर्म अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ये देखो, फ्री फायर वालों ने ऑफिशियली फाइनली वीकली शेड्यूल दे दिया है इस वीक का। तो 8 तारीख से लेकर के 11 मार्च तक वीकेंड सर्वाइवर नाम का मिशन आने वाला है, जिसमें हमें ये वाले बैट की स्किन फ्री में मिलेगी। इसका नाम है बटर कप डस्क, और इसमें आग वाला एनिमेशन रहेगा जो कि देखने में काफी लेजेंडरी लग रहा है। और हाँ दोस्तों, जस्ट अभी अभी मुझे ये भी पता चला है कि समर इवेंट की थीम पर बनी स्काइविंग की स्किन, अराइवल एनिमेशन प्लस एक फिस्ट की स्किन का इवेंट टोकन व्हील में बहुत जल्द आने वाला है। अरे दादा रे। फाइनली गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट गोल्ड रॉयल और एफएफ टोकन में कौन से नए रिवार्ड आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में कौन सा बंडल आएगा। तो 99% चांसेस ये बन रहे हैं कि ये जो चिली हॉटी बंडल है ना, ये बंडल हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में आने वाला है। और अगर ये बंडल नहीं आया तब 1% चांसेस ये हैं कि स्लिक बंडित बंडल हमें नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने मिलेगा। और अब बात रही एफएफ टोकन की, तो एफएफ टोकन को फ्री फायर वालों ने बहुत टाइम हो गया है अपडेट नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बडी मार्ट स्टोर को अपडेट किए, सेम उसी तरह से एफएफ टोकन को भी अपडेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कंफर्म डेट किस दिन एफएफ टोकन अपडेट होगा ये तो फ्री फायर वालों ने नहीं बताए हैं, लेकिन जिस दिन गोल्ड रॉयल अपडेट होता है उसी दिन एफएफ टोकन भी अपडेट हो सकता है, ऐसी लीक मिली है। तो अगर एफएफ टोकन अपडेट होता है उस दिन, तब हमें चिली चिली बंडल नेक्स्ट एफएफ टोकन में देखने मिलेगा। इसके साथ ही में एक दो और बंडल आ सकते हैं, जैसे कि पांडा पाइजेम्स बंडल, या इसका फीमेल वाला वर्जन मुजू बंडल, या फिर चिक इंट्रीड्यूर बंडल, या फिर इसका मेल वाला वर्जन स्लिक बंडित बंडल, ये भी एफएफ टोकन में आ सकता है, बनी इन डिस्गस बंडल। इस तरह से ये कुछ बंडल है जो कि चिली चिली बंडल के साथ में आ सकते हैं। तो गाइस देखते हैं, गोल्ड रॉयल जिस दिन अपडेट होगा उस दिन शायद एफएफ टोकन एक्सचेंज स्टोर भी अपडेट होने वाला है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी एफएफ टोकन हो चुकी है। और यार रही बात होली स्पेशल गोल्ड रॉयल की, तो स्पेशल गोल्ड रॉयल में पिछली बार होली के समय में जो भी बंडल मिले थे या फिर इमोट्स मिले थे, वो हमें होली स्पेशल नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने मिल सकते हैं। तो जैसे इनका बैनर मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो यार बस इस वाले वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।